अभी की बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां पत्रकार नगर थाना इलाके के एक निजी अस्पताल में नर्स से दुष्कर्म का घटना सामने आया है। आरोपी द्वारा नर्स का वीडियो बनाने का मामला भी सामने आने के बाद प्रशासन में खलबली मच गई। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी कंपाउंडर राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लखीसराय जिले के महेशपुर का रहने वाला बताया गया। पुलिस के अनुसार नालंदा की रहने वाली 32 साल की नर्स ने बताया कि वह राजधानी के कंकरबाग सचिवालय कॉलोनी स्थित एक निजी अस्पताल में काम करती थी। इसी अस्पताल में राजेश नाम का कंपाउंडर भी काम करता था, जो अस्पताल कंपाउंड में ही रह रहा था। अप्रैल 2021 में राजेश एक दिन खाना बनाने के बहाने कमरे में आया। वह शराब की बोतल भी साथ लेकर आया था। उसने नर्स को भी शराब पिलाई और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान उसने वीडियो भी बना लिया था और बार बार वीडियो दिखाकर महिला को ब्लैकमेल कर रहा था। नर्स ने तंग आकर इस मामले की जानकारी अपने सहयोगी अस्पताल कर्मी को दी और सबसे सलाह लेने के बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पटना पुलिस के अधिकारी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप सही साबित लग रहा है और इसी को देखते हुए कंपाउंडर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जी, एक हमारे समाज की एक सम्मानित महिला के साथ एक मामला प्रकाश में आया है। हम लोग उस महिला की जो शालीनता है, गरिमा है और उनकी सुरक्षा है, उनको ध्यान में रखते सारी कार्रवाई विधि पूर्वक कर रहे हैं ताकि उनको न्याय मिल सके। पटना से दीपक कुमार की रिपोर्ट।